हेलो भाई और उनकी बहनों, दोस्तों, मित्रों, लेडीज, जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द बेस्ट डिफेंस चैनल, जहां पर आपको ज्ञान के साथ साथ बकचोदी दोनों मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बकचोदी का लेवल करने और भी हाई आ गया है तुम्हारा जुगाड़ू भाई। तो लॉन्डो, आपको पता है कि NDA यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी इज द बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड, इधर यू आर नेक्स्ट NDA और यू आर नॉट। बाकी एंट्रीज पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो ब्रो, ऐसी बात है कि NDA में हर एक चीज लर्न एंड अर्न करनी पड़ती है। तुम एज अ फर्स्ट टाइमर आते हो, तुम पहले जाते हो, कोई इज्जत नहीं मिलती, तुम सहते रहते हो एंड ग्रो करते रहते हो। फिर धीरे धीरे यू बिकम अ सेकंड टर्मर, थर्ड टर्मर, फोर्थ टर्मर, फिफ्थ टर्मर एंड फाइनली यू आर अ सिक्स्थ टर्मर। हर एक टर्म में पावर्स, प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। तो भाई, ऐसे ही हम भी किसी तरीके से मर मरा कर पहुंच गए थे सिक्स्थ टर्म में। नाउ एवरीवन वाज गिवन अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन हिज स्ट्रेंथ्स। And now I was given the responsibility of being the PT captain of my squadron, and being a PT captain, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सबसे पहले तो खुद के सारे बेसिक एंड हायर टेस्ट पास होने हैं भाई। अच्छा थोड़ी लगता है कि कैप्टन खुद ही यूजलेस हो। हाँ, IPL में अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो वो अलग है, पर मुझे तो भाई एक ही बात थी कि मुझे खुद परफॉर्म करना है, नहीं तो सारी स्क्वाडन मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगी। एंड दूसरी जो बड़ी टेंशन थी वो थी कि स्क्वाडन के 100 लॉन्डो को, इंक्लूडिंग माई कोर्समेट्स को भी पास कराना है PT टेस्ट में। तो ब्रो, मैंने ये टास्क डे वन से ही बहुत ही सीरियसली लिया। प्रोसीजर सिंपल था, इतनी PT करा दो, इतना रगड़ दो कि टेस्ट आखिर में सिंपल लगने लगे। सुबह की PT एंड दोपहर की क्लासेस के बाद लंच करके जैसे ही सब लॉन्डे आते थे, तो इट वॉज द टाइम आई यूज टू टेक everyone फॉर rigorous स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। भाई एक सीक्रेट बताता हूँ, इफ यू रन 5 kilometers एवरी डे एंड डू सेकंड क्लास रोप 5 times अ डे, तो आप कभी भी अनफिट नहीं होंगे। एंड आई एम फॉलोइंग दिस फंडा इवन टिल टुडे, एंड इसको टोटल 30 मिनट लगते हैं इस वर्कआउट को करने में। सो आफ्टरनून में सबकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स टर्म, चाहे वो फर्स्ट सेकेंड टर्मर्स के लिए 400-500 पुशअप या डिप्स कराना हो, या बाकी टर्म्स के लिए 20-25 बार रोप्स एंड चिन अप्स। मतलब सबको मैं इस तरीके से PT कराता था कि लॉन्डे शाम के स्टडी पीरियड में सोते रहते थे। एजेंडा कोई पनिशमेंट देना नहीं था, एजेंडा था कि सब अपने टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं, एंड सिक्स टर्मर्स को किसी को PT कराने की जरूरत नहीं होती थी, लॉन्डे खुद ब खुद कर लेते थे। एंड रात को डिनर के बाद यूज टू फोकस ऑन द टेक्निकल टेस्ट लाइक बैक रोल, डाइव रोल, कार्टवील एंड कुछ स्पेशल टेस्ट जैसे कि हैंड स्प्रिंग एंड बैक फ्लिप, उनके लिए जो कि मेरिट कार्ड या फिर ब्लू का कैलिबर रखते थे। अब भाई मेरिट कार्ड या ब्लू क्या है? देखो भाई, NDA जाए इनफैक्ट IMA में एक होते हैं नॉर्मल टेस्ट, एक होते हैं हायर टेस्ट एंड एक होते हैं स्पेशल क्लास टेस्ट। अब नॉर्मल टेस्ट आपको पास करने होते हैं नेक्स्ट टर्म में जाने के लिए, एंड हायर टेस्ट नेक्स्ट टर्म के टेस्ट होते हैं। जो कैडेट नॉर्मल टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करता है वो हायर टेस्ट में अपीयर कर सकता है, एंड वो अलग से स्पेशल पॉइंट्स देता है PT ट्रॉफी के लिए, जो कि बहुत सारी स्क्वाडन में से मिलनी होती है किसी एक को। एंड स्पेशल क्लास टेस्ट बहुत ही मुश्किल होते हैं, एंड शायद कोई टॉप 1% इनको पास करते हैं। जो सबसे पहले स्पेशल क्लास टेस्ट पास करता है वो होते हैं मेरिट कार्ड, वो उसको मेरिट कार्ड बोला जाता है, एंड ही कैन वेयर अ रेड वेस्ट। अब सोचो कि सारी एकेडमी के जूनियर सीनियर्स सब व्हाइट वेस्ट पहन के PT कर रहे हैं, एंड आप रेड वेस्ट पहन रहे हो, मतलब जलवा है हमारा। सिमिलरली अगर आप मेरिट कार्ड के टेस्ट पास हो जाते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट होते हैं हाफ ब्लू ब्लू। इसी तरीके से अगर आप ये टेस्ट पास हो जाते हो, तो यू कैन वेयर अ लाइट ब्लू एंड ब्लू वेस्ट, जो कि बाकियों से आपको अलग करती है। एंड अल्टीमेट टेस्ट होते हैं जिनको कि ब्लेजर टेस्ट बोलते हैं, वो शायद 3-4 हज़ार कैडेट्स में से कोई एक ही होता होगा जो कि ब्लेजर अचीव कर पाता है, क्योंकि ब्लेजर वाले लॉन्डे अलग होते हैं भाई। मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन देयर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि शायद पूरे इंडिया में टॉप के फिजिकल स्टैंडर्ड रखने वाले लड़के ही ब्लेजर अचीव कर पाते हैं। यस, इंडिया, नॉट इवन अकेडमी। तो ऐसा करते करते ब्रो आ गए PT टेस्ट, एंड आई एज यूजल पास्ड विदाउट एनी एफर्ट। एंड सिमिलरली स्क्वाडन के ऑलमोस्ट 90% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, एंड स्क्वाडन ऑफिस ने मुझे बहुत प्रेस किया। सिक्स टर्मर्स ने बहुत तारीफ की कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट पहले कभी नहीं आया था। बट पर्सनली आई वॉजेंट सेटिस्फाइड और हैप्पी एट ऑल। मैं बस खुद से ये पूछ रहा था कि वाई द 10% हैव फेल्ड, एंड मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई, एंड मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इनको वो टेस्ट पास करा सकता हूँ जो कि शायद 1 महीने बाद होगा, जिसे कि M2 टेस्ट बोलते हैं। अब जो लॉन्डे PT टेस्ट पास हो गए थे, वो सोच रहे होंगे कि भाई चलो अच्छा हुआ, भला टली अब PT नहीं करनी पड़ेगी। बट ब्रो, ऐसा थोड़ी होता है। PT टेस्ट पास होने के बाद मैंने इनपे एक्स्ट्रा लोड डालना शुरू किया, एंड और भी ज्यादा PT करानी शुरू की जो कि पहले से ही पास हो चुके थे, क्योंकि भाई हायर टेस्ट भी तो पास करने हैं, नॉर्मल टेस्ट तो हर एक लॉन्डा पास कर लेता है।
बट आई गेव स्पेशल अटेंशन टू दोज 10% जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो सके थे। इसके लिए मैंने फिफ्थ एंड फोर्थ टर्म में से जो बेस्ट लॉन्डे थे उनको पीटी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको जो पहले से पास थे, एंड बोला कि भाई इनको इतना चोदो कि इनको हायर टेस्ट मजाक लगने लग पड़े। एंड नाउ आई वॉज फ्री टू लुक अपॉन दोज 10% जो कि पास नहीं हुए थे। देखो प्रो, हाथ की पांच उंगलियां कभी सेम नहीं होती, एंड सब कैडेट कैसे सेम स्ट्रेंथ के होंगे या फिर कैसे उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सेम होंगी एंड कैसे सेम अप्रोच हर एक किसी पे काम करेगी। तो कुछ कैडेट्स आर जेन्युइनली वीक एंड मुझे उन्हीं पे काम करना था, तो मैंने उन 10% को बहुत ही सिस्टमैटिकली ट्रेन करना शुरू किया। आई सॉ कि कहां पर कोई बंदा लैग कर रहा है। अब अगर एक थर्टमर चिल्ला फेल हो रहा है तो इसका मतलब उसके बहुत सारे मसल ट्रेन करने की जरूरत है, जैसे कि बाइसेप्स, लैटिमस डॉर्सी, टेरस मेजर, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, स्पाइनल स्टेबलाइजर्स एटसेट्रा। बहुत सारे मसल अच्छे से डेवलप चाहिए चिनअप्स के लिए, तो उनको मैं बाकी के मसल्स की एक्सरसाइज नहीं कराता था, उनको बस मैं उसी मसल में फेलियर तक बचाता था एंड फिर मैं रेस्ट देता था, फिर फेलियर तक लेके जाता था एंड इस बात का ध्यान रखता था कि किसी भी कैडेट को कोई इंजरी ना हो। सिमिलरली जो कि टेक्निकल टेस्ट फेल थे, मैं उन पे अलग से अप्रोच से काम करता था, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाइक जंपिंग वगैरह, अगर आप वॉल्टिंग कर रहे हो तो उन पे ध्यान देता था। तो ऐसा करते करते सेकंड अटेम्प्ट भी आ गया एंड जो 90% पहले से पास थे उनमें से 70-80% लोग हायर टेस्ट पास हो गए, दो मेरिट कार्ड बन गए, एक हाफ ब्लू हो गया एंड एक लॉन्डा फिफ्टमर ब्लू हो गया। अब इसकी मुझे कोई खास खुशी नहीं थी, खुशी इस बात की थी कि जो 10% फेल थे उनमें से ऑलमोस्ट सब पास हो गए थे एंड नाउ आई वाज रिलीव्ड कि भाई कम से कम दे विल गो टू द नेक्स्ट टर्म। अब लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी 2-3 लॉन्डे बच गए थे जो अभी तक बेसिक टेस्ट फेल थे। अब स्क्वाड्रन ऑफिस वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड एज सिक्स टर्मर मेरे ऊपर बाकी की एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड बढ़ रहा था। पहले मैंने सोचा कि भाई एक लॉन्डा जो ब्लू के टेस्ट पास है उसको इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ एंड मेरा काम खत्म हो जाएगा, बट देन आई सेड फक इट, खुद ही करते हैं। नाउ दीज थ्री कैडेट्स वर नेचुरली वीक, पर मेरा यह मानना है कि अगर आप आज वीक हो तो शायद वो आपकी गलती हो सकती है, शायद आपके जेनेटिक्स की गलती हो सकती है, एक्सेप्टेड। बट अगर आप वीक रहते हो तो वो आपकी गलती है क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप वीक हो एंड आप अगर एफर्ट नहीं मार रहे हो तो ये आपकी और सिर्फ आपकी गलती है। तो इन तीनों को मैं दिन में कम से कम 4 बार पीटी कराता था, एक अर्ली मॉर्निंग नॉर्मल पीटी से पहले, फिर लंच, फिर डिनर के बाद एंड फिर रात को केबिन पीटी 40 मिनट्स के लिए इनको छोड़ देता था। अब भाई एक दिन मैंने इन तीनों को सुबह बुलाया था 4 बजे एंड ये लॉन्डे बाहर खड़े थे एंड बातें कर रहे थे एंड उनमें से एक फोर्थ टर्मर था जो कि बोला, यार क्या ही चूतिया बंदा है भैंजो, ना सोने देता है ना सोता है यार, इस गांडू से अच्छा तो मैं खुद पीटी करके पास हो जाऊंगा। इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग बट आई केम आउटसाइड एंड मैंने उसको वहां से जाने के लिए बोला एंड आई सेड कि आज से तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा ना कोई पीटी कराएगा, यू आर अ सीनियर गाय नाउ एंड यू कैन डू योर पीटी एज यू वॉन्ट एंड वेन यू वॉन्ट। अब वो चौका, बहुत खुश हुआ एंड वहां से निकल गया। नाउ आई केप्ट गिविंग माई अटेंशन टू द बैलेंस टू गायज हुआ बोथ थर्ड टर्मर्स एंड फाइनली थर्ड अटेम्प्ट आया एंड ये दो लॉन्डे भी पास हो गए एंड बचा था बस अब एक लॉन्डा पूरी स्क्वाडन में, वो फोर्थ टर्मर हु वॉज फेलिंग इज रोप एंड कार्टव्हील टेस्ट। एंड इस समय तक हमारी पीओपी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, हमने फिफ्थ टर्मर्स को पावर्स हैंड ओवर कर दी थी एंड हम सिक्स टर्मर्स बस अपनी पीओपी प्रैक्टिसेस में लगे हुए थे। फिर एक रात मैं अपने कमरे में सेटअप मार रहा था कि मेरे कमरे के बाहर नॉक हुआ एंड मैंने दरवाजा खोला तो इट वॉज द सेम फोर्थ टर्मर जो कि अब अकेला पीटी टेस्ट पास होना बचा था पूरी स्क्वाडन में। अब एनडीए में भाई सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलते हैं एंड इफ यू पास इन दोज 3 अटेम्प्ट्स तो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप रेलीगेट हो जाते हो एंड कई बार एक एक्स्ट्रा मर्सी अटेम्प्ट मिल जाता है जिसको C1 बोलते हैं और द कमांडेंट्स अटेम्प्ट बोलते हैं। अब इस अटेम्प्ट के कोई पॉइंट्स नहीं होते पीटी ट्रॉफी के लिए एंड जो कैडेट C1 के लिए अटेम्प्ट करते हैं वो इनफैक्ट नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं पीटी ट्रॉफी के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि भाई प्रैक्टिसेस चल रही हैं, खुद के ऊपर इतना लोड है, बट मैंने जब इसको देखा तो ये लौंडा रोना शुरू कर दिया, तो ही स्टार्टेड क्राइंग आउटसाइड माय केबिन। मैंने सबसे पहले तो बोला कि ब्रो आके अंदर बैठ जा, पानी पिलाया इसको एंड उसने रोते हुए बोला कि सॉरी सर, उस दिन के लिए मेरे सारे कोर्समेट्स जूनियर्स पास हो गए एंड मैं अकेला बचाऊँ, सर मैं रेलीगेट हो जाऊंगा एंड सर मुझे इस अकेडमी में एक्स्ट्रा 6 महीने नहीं लगाने, मैं अपने कोर्स के साथ पास आउट होना चाहता हूं सर। तो फिर से मैंने एक बार सोचा कि भाई अब इतना टाइम कहां से निकालूं, 20-25 दिन रहते हैं पास आउट होने को, ऊपर से फ्री टाइम मिलता कहां है। पर फिर मैंने बोला फक इट एंड आई सेड बेंड एंड गिव मी 200 प्लैंक टाइप पुशअप्स। तो आफ्टर आई सेड इट द फोर्थ टर्मर वाज लुकिंग एट मी विद अ शॉक्ड फेस। तो मैंने बोला पानी पीते पीते कि भाई पास नहीं होना है क्या तुमको, एंड वो लौंडा उठा एंड अलग ही मोटिवेशन से उसने पुशअप मारने शुरू कर दिए।
अब मैंने फिफ्थ टर्मर्स में से उस बंदे को जो कि नेक्स्ट टर्म का पीटी इंचार्ज बनने वाला था एंड ब्लू के टेस्ट पास हो चुका था, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि वो अपना टाइम निकाल के मेरी हेल्प करे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस कोई जूनियर मुझे ना नहीं बोलता था। तो कर करा के वी हैड अबाउट 15 to 20 days एंड काम अभी बहुत बाकी था। तो मैंने एंड गुप्ता जो कि नेक्स्ट टर्म का पीटी इंचार्ज एंड जो ब्लू के टेस्ट पास था फिफ्थ टर्मर, हमने बहुत सारे एफर्ट्स मारे एंड डैड फोर्थ टर्मर खुद की मेहनत से C1 में अपने दोनों टेस्ट पास कर गया एंड अभी 10 से 12 दिन ही रहते थे मेरे पास आउट होने में। एंड आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन वो पास हुआ था तो वो भागा हुआ आया था मेरे केबिन में गुप्ता के साथ एंड बोला था कि सर हो गया। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, एंड ही सेड सर मैं पास हो गया। अब गुप्ता भी वही था एंड दे बोथ वर स्माइलिंग लाइक दो स्कूल गर्ल्स हु हैव रिसेंटली लॉस्ट देयर वर्जिनिटी। तो मैंने आराम से पानी पीते हुए बोला वो तो होना ही था वेंचर। तो भाई मेरे कमरे के अंदर आया एंड ही हग्ड मी वेरी टाइटली एंड कम से कम भाई 10 मिनट तक रोता रहा। फिर मैंने उस फोर्थ टर्मर से एक प्रॉमिस लिया कि भाई कि वो मुझे थैंक यू तभी बोलेगा एंड मैं उसका थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर वो नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सारे टेस्ट पास करेगा। नाउ आई पास्ड आउट फ्रॉम द एकेडमी एंड आई वेंट टू IIM एंड वहां पे हम फिर से पीटी कैप्टन बन गए। एंड एक दिन सुबह की पीटी करके वापस आया था एंड मैंने अपना सुट्टा जलाया था एंड अपना फोन चेक किया था। यस भाई आई यूज्ड टू स्मोक इन IIM एंड आई हैड अ फोन टू। कैसे क्यों व्हाई वेयर का आंसर देने का ना मेरा मन है ना टाइम है ना मूड। Anyways, I don't smoke these days. I am a clean person from at least 1 year. So as I was checking my phone, I got a text from Gupta. Sir, na blazer ban gaya. So I was very happy ki chalo Londe ne wo achieve kiya hai jo wo rightly deserve karta hai. Fir maine reply kiya, what about Chakravir the fourth timer? To aage se Gupta ka reply aaya, sir he passed in his first attempt and maine usko next term ka PT captain banane ka decide kiya hai. Maine aage se reply kiya, great, proud of you both. Ab rukna nahi hai, take care. मैंने अपने फोन को वापस वहीं छुपाया जहां से मैं फोन निकाल के यूज करता था, अपना सुट्टे को खत्म किया एंड आई स्टार्टेड स्माइलिंग। आई वाज हैप्पी। बस फिर क्या था, मैंने अपना दरवाजा खोला एंड वहां पे जो IIM के फर्स्ट टर्मर्स थे जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होकर आ गए थे, मैंने उनको बोला एसेस बेंड गिव मी 100 planks एंड ये सिलसिला खत्म हो गया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस पॉडकास्ट। आई नो आई एम नॉट एज गुड एज द प्रीवियस जुगाड़ू स्टोरी टेलिंग बट जस्ट वन मैसेज फ्रॉम माई साइड इज दैट Everyone deserves a second chance. Everyone has a right to make and amend his mistakes. Everyone has the right to fail and get up again stronger. But तुम किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। जब तक will power या motivation नहीं है, तब तक effort का कोई outcome ही नहीं होगा। Similarly, किसी को मैं Smart Module के लिए push नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को आप जबरदस्ती SSB pass नहीं करा सकते। But भाई अपने लौंडे ने बहुत efforts मारे हैं Smart पे, and if you are an aspirant and SSB के लिए आप appear कर रहे हो तो पक्का चेक कर लेना इसको फ्रॉम www.jugadufauji.com पे। तो लौंडे मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को एक नए पॉडकास्ट के साथ। चलो मैं जा रहा हूँ अपना 5 किलोमीटर भागने, तब तक के लिए बैंड एंड गिव मी 20 planks राइट नाउ। चलो बाय, जय हिंद। अरे ब्रो इसको किस पे रिकॉर्ड करना है यार, नॉर्मल आईफोन पे कर दूं ना? ये कर दो कर दो। अरे भाई साहब, भाई ये क्या पहले लिखना होगा क्या सारा किस्सा? भैंचो ये तो बहुत चोद है यार, लौंडा कैसे करता था यार इतनी मेहनत? भाई देख यार रिकॉर्ड कर दिया भाई, ठीक था ना? भाई मैंने पहले नहीं किया भाई ये सब, ठीक है? तो अगर नहीं होगा तो बता देना है ना, मैं पुराने वाले की तरह इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, ठीक है? कुछ गलती होगी तो बता देना ब्रो। ठीक था भैया। अरे ब्रो यार तू इतना पतला क्यों रखा यार, साले जिम नहीं जाता क्या? जी भैया कल से स्टार्ट करता हूँ।